हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो होम विद मारिया। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए छोटा सा मेरा टाइनी सा ब्लॉग, और जिसकी शुरुआत हुई है बच्चों का लंच बॉक्स बनाने से। तो यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही हूँ सैंडविचेस, और ये सॉस मैंने वही अप्लाई की है जो कि पिज़्ज़ा होममेड पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की है, बहुत ही यम्मी बनी है। और इसमें अब ऐड कर रही हूँ मैं अपनी पसंद की वेजीज, जिसमें है स्वीट कॉर्न, अनियन और कैप्सिकम। तो बस इसको जो भी वेजिटेबल्स लगानी है उसको लगाने के बाद मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया है चीज़, और ये है पिज़्ज़ा चीज़। आपको जो भी पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं, और ऊपर से डाल रही हूँ ये मिक्स। बस इसको हम तवे पे बटर लगा करके इसको गोल्डन क्रिस्पी क्रिस्पी कर लेंगे। और ये देखिए कितने मज़ेदार सा ये फिलिंग दिख रही है, जितना ये टेस्टी दिख रहा है ना, ये उतने ही मज़े की बन के तैयार हुई थी। और बच्चों ने भी इसको खूब पसंद किया था, बड़े खुशी खुशी इब्राहिम कह रहे थे अम्मा कल भी हम यही लेकर के जाएंगे लंच में। तो ये साथ में मैंने रख दिए थे ओरियो बिस्किट और ये सैंडविच, और बस ये हो गया था इनका टिफ़िन पैक और चले गए थे, बैग में सब रख दिए थे। और ये इब्राहिम के स्कूल में कुछ एक्टिविटी थी तो उसको करा रहे हैं। तो ये रूम है बच्चों के जाने के बाद, मैसी मैसी रूम, और अब इसको क्लीन कर लूँगी मैं, और फटाक से इसको क्लीन कर लिया है। और ये देखिए बिल्कुल क्लीन, नीट और क्लीन हो गया है हमारा रूम। और ये काफ़ी दिनों से ये फ़ैन रखा हुआ है, वो यहाँ पे लगने वाला है डाइनिंग एरिया के, डाइनिंग एरिया में, तो वो इलेक्ट्रिशियन नहीं आ पा रहा है, तो बस देखिए वो कब उनको फुर्सत मिलती है और आते हैं। और यहाँ पे मैंने अजवाइन निकाल के रखी थी, इसको धूप दिखाना थी। और यहाँ पे कट करके रखी है भिंडी और हरी मिर्चें वॉश करके। तो यहाँ पे हो गया था लगभग 1:30 बज गए थे, और वलीद और रयान भी स्कूल से वापस आ गए थे। और बस उसके बाद बच्चे फ्रेश हुए और इन्होंने लंच करने के बाद सो गए थे। और उसके बाद मैं चली गई थी किचन में शाम की इफ्तारी की तैयारी करने। और आज इफ्तार में मैंने बनाई थी इंस्टेंट खीर, और जो कि बहुत ही इजी है और जल्दी ही बन जाती है। और आज आपके साथ मैं इसी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इंस्टेंट खीर। और इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट से ये बनके तैयार हुई थी, ये है राइस खीर। तो यहाँ पे मैंने ले लिए थे लगभग आधा कप के ये चावल, बस इसका हमने बना लिया था दरदरा सा पाउडर। और यहाँ पे ले लिए कुछ बादाम, और इनको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था ताकि इनको बाद में पील करके कट कर दूँ महीन महीन। तो ये चावलों का बन गया था दरदरा सा पाउडर, ये देखें कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये बन गया है लगभग आधा कप चावलों को हमने ऐसा बना लिए, और इसमें डाल दिए हैं 2 से 3 पौड़ हरी इलायची के। और यहाँ पे लगभग 1.5 लीटर के ये दूध, 1.5 लीटर यानी, तो दूध को अच्छे से पका लिया और ये गाढ़ा हो गया थोड़ा। और ये देखिए जब ये इसमें अच्छा सा बॉयल आने लगेगा उस टाइम पे हम इस पाउडर को इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, लगभग हाफ डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये एक दूसरे में चिपक के बॉल्स ना बन जाएँ, लम्ब्स ना बने इनके। तो इसको डाला, थोड़ी देर इसको हम पकाएँगे, और उसके बाद फिर बाकी जो हमारा चावल बचे होंगे वो इसको इसमें डाल देंगे। तो चावलों को मैंने यहाँ पे बिल्कुल भिगोया नहीं, लेकिन फिर भी ये खीर इतनी अच्छी बनके तैयार हुई है। बस ये ध्यान रखना है कि जब हम इसमें शुगर डालेंगे चावल अच्छी तरीके से बिल्कुल गल जाएं, और क्योंकि जब हम शुगर डाल देंगे इसमें शक्कर डाल देंगे तो उसके बाद ये चावल गलेंगे नहीं, वो अपने वहीं पर उनकी कुकिंग स्टॉप हो जाएगी। तो ये देखिए 20 से 25 मिनट पकने के बाद ये चावल जब गलने लगे हैं तो ये खीर हो गई है गाढ़ी, और अब जाएगा इसमें शक्कर। तो यहाँ पे मैंने पहले लिया था 1 कप से कम शक्कर, लेकिन इसके बाद इतनी ही शुगर मैंने और डाली थी, यानी लगभग 1.5 कप शुगर गई है इसमें।
और ये बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन के तैयार हुई है और बहुत ही लजीज बनी थी। ये शुगर डाल के हम इसको धीमी आंच पे छोड़ देंगे ताकि सूंधी सूंधी स्मेल आ जाए। और इसके बाद हम डाल देंगे अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए थोड़ी सी चिरौंजी और बादाम डाले हैं, वो भीगने के लिए रखे हैं, वो लास्ट में डालेंगे। तो ये शुगर डालने के बाद अच्छे से पक गई थी धीमी आंच पे और ये देखिए कुछ इस तरीके की गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है। और बस ये हमारी खीर लगभग पक्के तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे केवड़ा वाटर जो कि बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू देगा। तो बस इसको हम डाल देंगे लगभग आधा चम्मच। और ये देखिए जो बादाम हमने भिगो के रखे थे उनको ऐसे पील करके स्लाइसेस में कट कर लेंगे। बस इसके बाद इसको हम वॉश करके इस खीर में डाल देंगे और हमारी खीर फटाफट से तैयार हो गई है। बस बादाम डालने के बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है और इसको अब हम सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और फ्रिज में रख देंगे ताकि खूब ठंडी हो जाए। और ठंडी ठंडी खीर बहुत मज़ेदार बनी थी और ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये इंस्टेंट खीर की रेसिपी कैसी लगी और साथ में सैंडविच की भी रेसिपी आपको कैसी लगी। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से कर दे और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।